जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया बंदी पुलिस को चकमा देकर टॉयलेट के शीशे तोड़कर फरार हो गया, जबकि उसकी अभिरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी बाहर खड़े उसका इंतजार करते रहे। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल परिसर के साथ ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस के साथ ही पुलिस अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए और सिपाहियों से फरार बंदी की जानकारी ली। साथ ही अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल संभल जिले के जुनावाई थाना इलाके के रहने वाले 46 वर्षीय अजीत को संभल की गुन्नौर थाना पुलिस ने 5 मार्च को अवैध तमंचा बरामद होने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था, जिसके बाद से लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई। वहीं 16 मार्च को आरोपी अजीत को खून की उल्टियां आने पर जेल प्रशासन ने उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 17 मार्च को हालत में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज कर दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन 19 मार्च की सुबह उसकी हालत दोबारा से बिगड़ी और एक बार फिर आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आज सुबह करीब 9 बजे अभिरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी आरोपी अजीत को तीसरी मंजिल पर बने मेडिकल वार्ड के टॉयलेट में लेकर गए। जब काफी देर तक बाहर न आने पर पुलिसकर्मियों ने जाकर देखा तो आरोपी अजीत टॉयलेट में लगे खिड़की के शीशे तोड़कर फरार हो चुका था, जिसके बाद आरोपी अजीत की अभिरक्षा में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों ने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी और पुलिस के तमाम अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए, घटना की जानकारी भी ली। साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं अस्पताल की सीएमएस संगीता गुप्ता के मुताबिक आरोपी अजीत को ब्लीडिंग और दस्त होने के चलते भर्ती कराया गया था। उसकी हालत में काफी सुधार था और कल रात 8 से 9 बार टॉयलेट गया था, जबकि आज सुबह टॉयलेट से ही निकलकर फरार हो गया। ये एक अजीत नाम का कैदी, 45 वर्ष लगभग उम्र थी उसकी, जो जिला जेल से डॉक्टर द्वारा यहाँ पर रेफ़र किया गया था 19 मार्च को प्रातः 11:31 पर छाती में दर्द, खून की उल्टी तथा दौरे पड़ने की शिकायत से इमरजेंसी में एडमिट हुआ था। इसके बाद जो EMO हैं उनके द्वारा फिजिशियन को रेफ़र किया गया था। फिजिशियन ने देखकर इसको ट्रीटमेंट दिया और एक दिन ये नीचे इमरजेंसी वार्ड में ही एडमिट रहा और 20 तारीख को दोपहर लगभग 3 बजे ये ऊपर जो वार्ड बना है नया वार्ड उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया था, जब थोड़ा सा इसकी हालत में सुधार आया था। आज प्रातः 9:45 सिस्टर ने इंजेक्शन दवाई सब दी उसको और इसको सुरक्षा में दो गार्ड भी लगे हुए थे, तो सब स्टाफ हमारा सब अस्पताल के कार्य में लगा हुआ था। जब उन्होंने शोर सुना कि शोर हो रहा है तो वो लोग वहाँ पहुँचे बाहर, तो पता लगा कि ये एक कैदी जो टॉयलेट से फरार हो गया, तो मतलब अंदर से कुंडा बंद था बाथरूम का और वो जो लोग सुरक्षा गार्ड थे वो बाहर इसका इंतज़ार कर रहे थे आने के लिए। जब काफ़ी देर हो गई तो उन्हें जब देखा नहीं निकला तब पता लगा कि वो अंदर कोई नहीं है, तो शीशे तोड़कर, तो ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। हाँ, अभी हमने तो दरवाज़ा नहीं खोला था तो पुलिस वाले ही खुद आके उन्होंने कहा कि आप मत छेड़िए इसको, वो लोग देख के जो खिड़की पीछे बनी हुई है महिला चिकित्सालय की तरफ को खिड़की खुलती है उधर से होके वो भाग गया। अच्छा बताया ये भी जा रहा कि रात भर में वो कई बार टॉयलेट के लिए गया। हाँ, ये मेरे को सुरक्षा गार्ड वालों ने ही उन्होंने ही बताया कि रात में ये 8-9 बार टॉयलेट गया है, तो उन्होंने सोचा कि पेट खराब है या जो भी, और वो बाहर बैठे हुए थे मैं मतलब उसकी सुरक्षा में हर बार वो जाते थे, और सुबह के समय जब वो बाहर नहीं निकला काफ़ी देर तक तब उनको शक हुआ, तब उन्होंने खटखटाया वहाँ पर तो कोई नहीं। एक अजीत नाम का ये बंदी था जो संभल जनपद का जुनावाई थाना है, वहाँ से 5 मार्च को जिला जेल में इसको दाखिल किया गया था और वहाँ से एक आम सेक्टर मुकदमे में ये जेल में था। जेल में इसकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, इसको लेके एक बार और इससे पहले ये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल पुनः इसको दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी तो यहाँ पर इसको भर्ती कराया गया था, क्योंकि ये जेल की कस्टडी में था तो जेल की तरफ से यहाँ पर दो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो इनके साथ ड्यूटी में थे, इनकी कस्टडी में, जेल की कस्टडी में ही यहाँ पर इसका इलाज चल रहा था। और आज सुबह ये यहाँ से शौचालय गया है और शौचालय में जैसा भी हम लोग देखा है वहाँ पर इसके पीछे का शीशा तोड़ के शायद अंदर से वहाँ से निकल गया, फरार हो गया। इस संबंध में जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी ओर से एक तहरीर दी गई है
जिस पर सिविल लाइन थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसकी तलाश करवाई जा रही है। सर किस मुकदमे में ये जेल में बंद थे और कब से? जैसा मैंने बताया जुनाबाई थाने से आम सेट के मुकदमे में ही 5 मार्च से जेल में बंद थे, जेल की ही कस्टडी में थे और जेल की तरफ से ही जो सुरक्षा गार्ड थे वो यहाँ पर उनको लेके आए थे और उनकी कस्टडी में इसका इलाज चल रहा था।